अध्ययन सुमन एक्टिंग में फ्लॉप होने के बाद अब सिंगिंग में करियर तलाश रहे हैं। अध्ययन का गाया गाना ओ सोनियो यूट्यूब पर ब्लॉकबस्टर हिट साबित हुआ है, जिसे अध्ययन ने मीडिया के साथ सेलिब्रेट किया। तो उस तरीके की प्रमोशन नहीं मिली थी। आई थिंक ये गाना ऑर्गेनिकली लोगों के दिलों तक पहुंच गया था और मैं चाहता था कि लोग इस गाने को फिर से सुने, लेकिन एक नए नज़रिए से इस गाने को देखें। सो वेरी ग्रेटफुल एंड वेरी ग्लैड कि आप लोगों ने इस गाने को 2.0 को इतना ज़्यादा प्यार दिया। क्या नहीं है, बिकॉज मैं आई एम स्टिल एन एक्टर, पीपल स्टिल रिमेंबर मी एज एन एक्टर। ये एक सिर्फ मेरा एक नया चेहरा है, एक नया रूप है, एक साइड है मेरा, बट आई एम एन एक्टर फर्स्ट और आई ऑलवेज लव फिल्म्स। जस्ट बिकॉज मेरी 3 फिल्में नहीं चली, इसका ये मतलब नहीं कि मुझे आगे फिल्में नहीं मिलेंगी। कभी कभी अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए आपको अपना राह बदलनी पड़ती है, तो मेरे लिए वही है। एंड बिकॉज आई एम सो पैशनेट अबाउट सिंगिंग एंड म्यूजिक, आई हैव टू टेक दिस फॉरवर्ड समडे, एंड हियर आई एम। इतना सारा प्यार जो है लोगों से मिल रहा है। किसी भी इंडस्ट्री में जो है वो प्रेशर रहता है। आई थिंक नेपोटिज्म की बात जहाँ तक हम करें तो वो एक फैशन सा टर्म बन गया, लोग ऐसे ही डिस्कस करना चाहते हैं, एक्चुअल मतलब नहीं जानते। ऑब्वियसली अगर आप इंडस्ट्री में हैं और अगर मेरा बेटा है और वो एक्टर बनना चाहता है, ऑब्वियसली मैं उसकी मदद करूँगा, अपने पड़ोसी की नहीं, पहले अपने बेटे की करूँगा, उसके बाद डेफिनेटली अगर मेरा कोई पड़ोसी है जो कुछ बनना चाहता है ज़िंदगी में, उसकी मदद भी करूँगा लाइफ में। ऐसा नहीं है, अपने यूट्यूब चैनल के साथ, इनफैक्ट जिस दिन हम लोग 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स क्रॉस करेंगे, आई हैव डिसाइडेड टू लॉन्च 5 न्यू टैलेंट्स जो इस इंडस्ट्री के नहीं होंगे। तो ये नेपोटिज्म का क्या बात है, क्यों डिबेट चल रहा है, क्या है? ऐसा तो नहीं है कि नए लोगों को मौके नहीं मिलते। हर्षित इज़ नॉट फ्रॉम द इंडस्ट्री, आई थिंक आई गेव हिम एन अपॉर्चुनिटी टू, और हम सारे गाने साथ में कर रहे हैं। इसका ये मतलब नहीं कि जस्ट बिकॉज मेरे 2 गाने चल गए आई एम नॉट गोना वर्क विद हर्षित एनीमोर, ऐसा नहीं है। आई वर्क विद टैलेंट्स, और अगर स्टार किड्स सक्सेसफुल हैं जैसे कि रणबीर कपूर है, वरुण धवन है, वैसे देन देर इज ऑल्सो एन आयुष्मान खुराना, देन देर इज ऑल्सो विकी कौशल इज फ्रॉम द इंडस्ट्री, देन देर इज ऑल्सो राजकुमार राव जो इंडस्ट्री से नहीं है। बहुत से डायरेक्टर्स हैं जो नए हैं जो इंडस्ट्री से नहीं है। तो ऐसा नहीं कि लोगों को मौके नहीं मिलते। हर इंसान के लिए सक्सेसफुल बनने के लिए इट्स टफ। आप मुझे एक मौका दे देंगे, मैं एक बड़ी फिल्म कर लूँगा, लेकिन अगर ऑडियंसेस ने मुझे एक्सेप्ट, जैसे सोनियो 2.0 को इतने बड़े लेवल पर ऑडियंसेस ने एक्सेप्ट किया, मेरे स्टार किड होने से उस गाने को कोई फर्क नहीं पड़ा। इनफैक्ट मैं 2 साल से मेरी फिल्म ही नहीं आई है। तो इट्स एट द एंड ऑफ द डे द एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑडियंस, दैट्स ऑल आई बिलीव इन। एंड इसीलिए मैं बार बार कहता रहता हूँ कि थैंक यू टू द ऑडियंस आउट देयर जिन्होंने मुझे इतना प्यार दिया नाउ, बिकॉज आई थिंक मैं बहुत से मेरे दोस्त हैं जिनके रिश्तों को मैं देखता रहता हूँ। आई थिंक रिश्ते आज के ज़माने में रियलिटी में बहुत टॉक्सिक हो चुके हैं। लोग सिर्फ लड़ते रहते हैं और प्यार कम करते हैं और आर्गुमेंट ज़्यादा होती है यहाँ पर, और आई थिंक बिकॉज लोगों के अंदर पेशेंस ख़त्म हो चुका है, एवरी वंस बिकम सेल्फिश। अगर तुमने मेरी बात नहीं सुनी तो मुझे डिवोर्स दे दो, अगर तुमने मेरी बात नहीं सुनी तो ब्रेकअप कर लो। तो सोनियो के थ्रू मैं वही आई थिंक लोगों के अंदर वो जगाने की कोशिश की है कि अनकंडीशनल ओल्ड स्कूल प्यार आज भी जिंदा है। सो डोंट नॉट बिलीव इन दैट काइंड ऑफ लव।